दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूके त्रिपुरेश्वरी ने जो वैकेंसी निकाल रखी है उत्तराखंड हाई कोर्ट में, उसमें से आपके कनिष्क सहायक, आशुलिपिक और व्यक्तिक सहायक इन पदों के लिए आप लोग के लिए पूरा सिलेबस लेके आए हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं विषय वाइज कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और कितने मार्क्स का यहाँ पे आने वाला है, इसमें हम डिटेल में जानेंगे। और कैसे इसका जो पीडीएफ है आपको मिल सकता है, ये कैसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ, वो भी हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ अंत तक बने रहें इस वीडियो के साथ, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं कर रखा अभी तक, और साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलें, और हो सकता है तो प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम विभाजन है जो कि आयोग द्वारा विज्ञापित माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालय कनिष्क सहायक, आशुलिपिक, व्यक्तिक सहायक सभी पदों की आगामी 140 अंकों की वास्तुनिष्ठ प्रकार की जो लिखित परीक्षा का आयोजन कराना है, उसके लिए वहाँ पाठ्यक्रम का विभाजन विवरण निम्नलिखित है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं नीचे, और एक साइड देखें विषय दे रखे, एक साइड कुल अंक दे रखे। यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान और यहाँ पे सामान्य अध्ययन, इन इन दोनों में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, ये आपका आएगा सामान्य ज्ञान के अंदर। इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीतिक विज्ञान आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आएंगी, और उत्तराखंड से संबंधित विधि जानकारी आएंगी जो कि आपका रहेगा 140 अंक का, और जिसकी टाइमिंग रहेगी यहाँ पे 2.5 घंटे की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज हम बात करने वाले हैं कि सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता में यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण में। यहाँ पर देखिए इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उनकी विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता और दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। तो इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक वृद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक और अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने और समानताओं और असमानताओं व का पता लगाने से संबंधित है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें पूछा जाएगा आपका दर्पण और जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और श्रृंखला है, सदृश्यता है, वर्गीकरण है, कागज मोड़ना है, कागज काटना है, आकृति निर्माण है, आकृतियों की गिनती है, सन्निहित आकृतियाँ हैं, आकृतियों की मूर्ति पूर्ति है, और आकृति आव्यूह है, समरूप आकृतियों का समूहकरण है। अब बात कर लेते हैं सामान, ठीक है ना, यहाँ पर शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण का, यहाँ पे आपका आएगा ठीक है वर्णमाला परीक्षण आएगा, कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण आएगा, भिन्नता की पहचान आएगी, ठीक है ना, सदृश्यता आएगा, श्रृंखला परीक्षण आएगा, क्रम व्यवस्था परीक्षण आएगा, दिशा ज्ञान परीक्षण आएगा, अंक और समय क्रम परीक्षण आएगा, और निगमात्मक परीक्षण आएगा, रक्त संबंधी परीक्षण आएंगे, और गणितीय चिन्हों का कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, और धारणा परीक्षण आएगा, और कथन और तर्क आएगा, वर्गीकरण आएगा, ठीक है, आलेखन वेन डायग्राम आएगा आपका, और गणितीय संक्रियाएं आव्यूह है, मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, बैठक परीक्षण, अंकों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित आएंगे, और यहाँ पर संख्या और अवधि निर्धारण आएगा, कैलेंडर आएगा यहाँ पे, कथन और निष्कर्ष और निरंतर वाला आएंगे, और न्याय निगमन आएगा, पहेली परीक्षण आएगा, समस्या समाधान आएंगे, और यहाँ पे सामाजिक वृद्धि आएगा, और शब्द निर्माण आएगा, और लिपि की अभिक्षमता ये भी आपका आएगा। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पर इतिहास विषय के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या इसमें आने वाला है। प्राचीन इतिहास आएगा जो कि भारतीय प्राचीन इतिहास रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, वैदिक सभ्यता आएगी, और उत्तर वैदिक काल का आएगा, महाकाव्य काल का आएगा, जैन और बौद्ध धर्म आएंगे, मौर्य काल आएगा, उत्तर मौर्य काल आएगा, गुप्त साम्राज्य आएगा, उत्तर गुप्त काल आएगा, और यहाँ पर अरब और तुर्की आक्रमण आएंगे, और मध्यकालीन भारत की इतिहास की बात करें तो दिल्ली संतलत आएगी, और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये आएगा आपका, बहमनी और विजयनगर राज्य के बारे में आएगा, और मुगल काल का वर्णन जो भी आता है यहाँ पे वो आएगा, और
इसमें आएगा मराठा और सिख जो यहाँ पर युद्ध हुए थे उनकी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं आधुनिक काल में, आधुनिक काल में यहाँ पर आएगा आपका यूरोपियों का भारत में आगमन आएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा 1757 से लेकर 1858 तक। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्रिटिश शासक आएगा जो कि 1858 से लेकर 1947 तक यहाँ पर आएगा। और भारत में राष्ट्रवाद का विकास आएगा और प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जितने भी आंदोलन हुए थे हमारे होम रूल लीग है और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जो भी आंदोलन है सारे आपके आएंगे, टॉपिक वाइज देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद से आएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आएगा और विश्व का इतिहास आएगा जिसमें आपको यहाँ पे यूरोप में पुनर्जागरण पूछा जाएगा और ब्रिटेन का राजवंश आएगा यहाँ पे और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आएगा और रूसी क्रांति से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट बात करें जो सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है भूगोल, भूगोल में देखिए यहाँ पे भारत और विश्व भूगोल दोनों ही आएंगे आपके। और विश्व भूगोल की बात करें तो यहाँ पे विधि शाखाएँ, सौरमंडल की उत्पत्ति, ठीक है, देशांतर, अक्षांश रेखाएं, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियां, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, झील, जो भी इसमें टॉपिक बनते हैं आपके इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में भी इस टाइप के आएगा आपका, जलवायु आएगी, उच्च वायु यहाँ पे संरचना है और जितनी भी आपकी फसल है यहाँ पे, खनिज, ऊर्जा संसाधन है, जनसंख्या है, तो सभी आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सारे काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में विषय जो है आपका राजनीतिक विज्ञान। इसमें देखिए आपका ये आएगा राष्ट्रीय आंदोलन आएगा और इसमें से यहाँ पे पूछे जाएंगे राष्ट्रीय जागृत के उद्देश्य के कारण, और इसमें से आपके भारत में आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और महर्षि दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भारत में छापे खाने का प्रारंभ इससे पूछे जाएंगे, और भारत में भारत का आर्थिक शोषण ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885 यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, और बंगाल का विभाजन 1905 में यहाँ से आएंगे क्वेश्चन, और स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर, ठीक है, सावरकर की अभिनव भारत संस्था यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। अब बात कर ले बी में, यहाँ पे देखें असहयोग आंदोलन से आएंगे, असहयोग आंदोलन में देखें यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव और एम के गांधी का भारत आगमन और रॉलेट अधिनियम आएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1913 यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, और असहयोग आंदोलन यहाँ पे आएगा सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू, और असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण। और नेक्स्ट आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन पूछा जाएगा इसमें, और नमक सत्याग्रह पूछा जाएगा, नमक सत्याग्रह पूछा जाएगा, और डांडी कूच और नेहरू रिपोर्ट पूछा जाएगा, और पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। और नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का भारत में राजनीति पर प्रभाव और सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज इसके क्वेश्चन पूछेंगे, और अगस्त क्रांति के बारे में पूछेगा जो कि 1942 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण आएंगे, और भारत का विभाजन से यहाँ पर टॉपिक पूछा जाएगा, उसमें से आपके यहाँ पर मुस्लिम लीग और उसकी मांगें, और कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आएगा, माउंटबेटन योजना के बारे में आएगा, भारत विभाजन के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, और गांधीवाद में देखिए यहाँ पर गांधीवाद में पूछा जाएगा आपका गांधी जी के राजनीतिक विचार के बारे में पूछे जाएंगे, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, राजनीतिक का आध्यात्मिकरण, और यहाँ पर देखिए राम राज्य का विचार, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और गांधी जी के सामाजिक विचार में देखिए सर्वोदय की अवधारणा और अछूतोदार एवं अस्पृश्यता निवारण के बारे में, हरिजन की अवधारणा यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, गांधी जी के आर्थिक विचार और अर्थशास्त्र का नैतिक आधार और संरक्षता का सिद्धांत, स्वावलंबन और कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, और भारतीय राजव्यवस्था में देखिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ,
लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्व धर्म समभाव की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों का समावेश। और यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों की अवधारणा में देख सकते हैं समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, संविधान, उपचारों की व्यवस्था, उसका महत्व, ये क्वेश्चन पूछेंगे। और मौलिक कर्तव्य भी पूछे जाएंगे और यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भारतीय संसद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भारत का सर्वोच्च न्यायालय यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। और उसके बाद नागरिकता यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल के बारे में पूछा जाएगा, पंचायती राज, ठीक है ना, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण, ठीक है ना, स्थानीय सुशासन, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। और उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम, तो सूचना का अधिकार पूछा जाएगा यहाँ से, जो कि 5/2005 में। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछा जाएगा, पर्यावरण पूछा जाएगा, मानवाधिकार पूछा जाएगा और सशस्त्रों की होड़, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। और भूमंडलीकरण से क्वेश्चन पूछेंगे और दक्षिण एशिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे और सार्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज में नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजी तरीके से। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि विषय रहा है आपका अर्थशास्त्र, जो कि सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के अंदर का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, तो करंट अफेयर पूछा जाएगा आपका, ठीक है ना, बुक्स हैं, देश विदेश में क्या हो रखा है, लेखक हैं और इसके बारे में पूछे जाएंगे। और चोटियां हैं, धार्मिक स्थल हैं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। और यहाँ पर देखिए विषय उत्तराखंड से संबंधित विधिक जानकारियाँ यही आपके पूछे जाएंगे। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पूछा जाएगा, उत्तराखंड का इतिहास आएगा यहाँ से, उत्तराखंड का जल स्रोत, मुख्य नदियाँ और यहाँ पर जल स्रोत का नौला धारा, ठीक है ना, इस टाइप के चावल खाल, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछेंगे, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है ना, जो कि रहन सहन, परंपरा, बोली, भाषा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, लोकगीत हैं, नृत्य वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन पूछेंगे। और उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था और जननांकी, ये आपके पूछेंगे, इसमें जो है आपके भूमि बंदोबस्त है, लगान और यहाँ पर रैयतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था, इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। और भारत में शिक्षा, ठीक है, उत्तराखंड में शिक्षा, ये पूछेगा सामान्य शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य वगैरह वगैरह, ये क्वेश्चन पूछेंगे। उत्तराखंड के पर्यटन यहाँ पर पूछेंगे, स्थल हैं जो कि आपके धार्मिक स्थल हैं, नंदा राजा यात्रा है, जो भी यहाँ पर फेमस हैं, ट्रैकिंग है, ठीक है ना, पर्वतारोहण है, इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। धार्मिक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, मंदिर हैं, सारे यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे। और उत्तराखंड में पर्यावरण और पारिस्थितिकी दशाएं, जल और वायु प्रदूषण, ठीक है, बादल फटना, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पर देखिए राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, वो महत्वपूर्ण योजनाएँ और पहले हैं, तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य द्वारा जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड में जैव विविधता से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अन्य विधिक विषय हैं यहाँ पर जो भी आपके उत्तराखंड में आते हैं, सारे के यहाँ टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक।